बारामती सीट पर इस वक्त घमासान देखने को मिल रहा है। इस सीट पर वर्तमान सांसद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले है। लोकसभा चुनाव 2024 में इस सीट पर सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उम्मीदवार हो सकती है। उनके पोस्टर्स और बैनर से ये अटकलें लगाई जा रही है। अब इस सीट पर झंडे गाड़ने के लिए दोनों गुटों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और कैंपेन भी शुरू कर दिया है। इस बीच शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ बड़ी चाल चली है। शरद पवार ने अजीत पवार को बड़ा झटका देते हुए अजीत पवार के बड़े भतीजे को चुनाव प्रचार करने के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। बारामती सीट पर इस वक्त घमासान देखने को मिल रहा है। इस सीट पर वर्तमान सांसद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले है। लोकसभा चुनाव 2024 में इस सीट पर सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उम्मीदवार हो सकती है। उनके पोस्टर्स और बैनर से ये अटकलें लगाई जा रही है। अब इस सीट पर झंडे गाड़ने के लिए दोनों गुटों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और कैंपेन भी शुरू कर दिया है। इस बीच शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ बड़ी चाल चली है। शरद पवार ने अजीत पवार को बड़ा झटका देते हुए अजीत पवार के बड़े भतीजे को चुनाव प्रचार करने के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। बारामती सीट पर इस वक्त घमासान देखने को मिल रहा है। इस सीट पर वर्तमान सांसद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले है। लोकसभा चुनाव 2024 में इस सीट पर सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उम्मीदवार हो सकती है। उनके पोस्टर्स और बैनर से ये अटकलें लगाई जा रही है। अब इस सीट पर झंडे गाड़ने के लिए दोनों गुटों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और कैंपेन भी शुरू कर दिया है। इस बीच शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ बड़ी चाल चली है। शरद पवार ने अजीत पवार को बड़ा झटका देते हुए अजीत पवार के बड़े भतीजे को चुनाव प्रचार करने के लिए चुनाव मैदान में उतारा है।